हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूज क्रिएटिविटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, सेशन 20। सो लेट अस बिगिन अवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज पैरिटी, मीनिंग इक्वालिटी। सो हियर पार मीन्स इक्वल, आई टी वाई इज द नाउन सफिक्स। देन माई नेक्स्ट वर्ड इज डिसपैरिटी, मीनिंग इनइक्वालिटी। सो हियर डिस मीन्स नेगेटिव प्रीफिक्स, पार मीन्स इक्वल, आई टी वाई इज द नाउन सफिक्स। सो इन इनइक्वालिटी, इन इज द नेगेटिव प्रीफिक्स, क्लियर। देन माई नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेजमेंट, सो मीनिंग बिलिटलमेंट। सो एडजेक्टिव फॉर्म बिकम्स डिस्पैरेजिंग एंड वर्ब फॉर्म ऑफ डिस्पैरिटी बिकम्स डिस्पैरेट। देन माई नेक्स्ट वर्ड इज पीयर, मीन वंस इक्वल, ओके, पीयर मीनिंग वंस इक्वल। देन माई नेक्स्ट वर्ड इज इक्विवोकेशन, मीनिंग एक्ट ऑफ बींग डिलिबरेटली वैग्यू और इनडायरेक्टली डिसिप्टिव। स्टेटमेंट दैट इज डिसिप्टिव और पर्पजली ओपन टू कॉन्ट्ररी इंटरप्रिटेशंस, क्लियर। देन माई नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूटी, मीनिंग क्वालिटी ऑफ बींग ओपन टू मिसइंटरप्रिटेशन और स्टेटमेंट with this quality, statement with ambiguity quality, clear. Then my next word is double entendre or double entendre, meaning statement or word with two meanings, one of them risky, indelicate or a possible sexual connotation. I hope all these words has been clear to you. So with this I will end up my video. Please like to my videos and subscribe to my channel. Till then, you take care and bye bye.